गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मंगलवार 26 तारीख है और टाइम हो रहे हैं 7:30। तो आज यहां से अपना ये पहला टूर स्टार्ट होने वाला है। एमपी जा रहे हैं हम लोग मैयर देवी दर्शन करने, 2 दिन का टूर रहेगा। तो आज यहां से टूर स्टार्ट करेंगे 7:30 बजे, फिर उसके बाद यहां से निकलेंगे एमपी के लिए, जो यहां से 280 किलोमीटर है मैयर देवी। अपना फाइनली अपने ब्लॉग पे जो पहला ट्रिप है वो आज स्टार्ट होने जा रहा है। तो पहला ट्रिप, पहली जर्नी है जो मेरा ब्लॉग पे आएगा, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। चलते हैं अभी 5-10 मिनट में संजू भी, आकाश भी आ जाएंगे। कॉल किया था तो वो बोले कि 5 मिनट लगेगा, तो वो लोग आ रहे हैं तो फिर निकलते हैं यहाँ से। तो अपनी माताओं को करते हैं यहाँ बाय, कल के बाद परसों मिलेंगे हम लोग। परसों निकलते हैं सुबह सुबह, सब लोग खेत में लगा हुआ है, तो बिना डिस्टर्ब किए पापा से इजाज़त लेके चलते हैं यहाँ से। तो कॉल आया था अभी संजू भैया का, बाहर आ चुके हैं, गाड़ी आ गई है बाहर। अब चलते हैं यहाँ से, करते हैं इस ट्रिप को स्टार्ट। तो यहाँ से अपना ट्रिप हो गया स्टार्ट। अरे गुरुजी, अरे गाड़ी नहीं बाइक लेके आ गए आप, बाइक से चलना है क्या? गुड मॉर्निंग गुरुजी। अरे यार हम लोग बाइक से जाना, यार पता नहीं था, हम गाइस को बोल दिए बाइक नहीं है, स्टार्ट। बाय बाय, जाओ। चलिए तो चल रहे हैं अभी यहाँ से, आकाश भैया के यहाँ गाड़ी है, वहाँ से भी निकला जाएगा। बाय बाय करते हैं घर को भी। चलिए तो गाइस अपनी गाड़ी देखिए, आकाश भैया आ चुके हैं, आ चुकी है गाड़ी। अब गुरु जी लेट कर रहे हैं, सामान वामान लगे सब आ चुका है, भाई साहब पूरा रेडी है एकदम, पूरा माहौल एकदम टाइट चल रहा है। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows. तो अभी हम लोग यहाँ हनुमाना के पास पहुँच गए। अब यहाँ से जो है एमपी बॉर्डर लगता है, यहाँ से 150 मीटर आगे ही लग जाएगा। उसके पहले हम लोग रुक गए, हम लोग को ये पता नहीं था कि एमपी में तेल जो है 12 रुपये लीटर महंगा है यहाँ से, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल, तो ये पता नहीं था। तो हम लोग का तेल ख़त्म होने वाला था, एक डंडे मतलब रिजर्व लग गया था, तो ये हुआ कि तेल ले लेते हैं, तब पता चला यहाँ पे आके। तो कोई भी अगर इधर से जा रहा है तो एमपी बॉर्डर के पहले ही अपना गाड़ी का टैंक फुल करा ले, जिससे कि वहाँ पे जो 10 रुपये 12 रुपये प्रति लीटर जो बढ़ जाता है तो उस चीज़ से बच जाएगा। उसके बाद तो फिर कहीं ख़त्म हुआ तो लगेगा, लेकिन वो चीज़ बचा सकते हैं आप 10-12 रुपये लीटर के हिसाब से, आप जब जाएंगे इधर से। अगर आ रहे हैं इधर चाहे मिर्ज़ापुर के तरफ से आइए, जो यूपी बॉर्डर से इधर मिर्ज़ापुर की तरफ से जाइए, चाहे एमपी में गुजरात का बॉर्डर है उधर से आइए, तो यहाँ पर तेल मांगा तो उससे पहले ही अपना तेल वेल फुल करा के आइए। जब तक काम चल जाए चल जाए, यहाँ पर हम लोग अपना तेल लेंगे, इसमें फुल कराने का है कि फुल करा के फिर चलते हैं आगे। गुरु जी के देखिए अभी ये सब पूरा कपड़ा वपड़ा धुलने का भी काम ले लिया है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं भाई रीवा, यहाँ से 20 किलोमीटर बचा हुआ है। और यहाँ पे यार एमपी में हम लोग जब से चले हैं क्रॉस एंटर किए, ये हुआ था कि 100 किलोमीटर पर हम लोग चाय वो पी लेंगे, ढाबे पर रुके कहीं, लेकिन एमपी में कहीं ढाबा ही नहीं मिला। इधर से हम लोग आए, इधर से मिर्ज़ापुर साइड से आए हैं, उधर से होके हनुमाना से, इधर कहीं ढाबा नहीं था। करते करते आके यहाँ पे देखिए एक होटल एनएच, ये क्या NH-30 मिला है, होटल NH-30। तो यहीं पे जस्ट अभी रुक के हम लोग अभी चाय वो पियेंगे और थोड़ा बहुत खाना वाना खाया जाएगा। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
तो अभी जस्ट हम लोग एमपी मैहर देवी पहुंच चुके हैं गाइस। अभी जस्ट 5 मिनट हुआ है, पहुंचे हैं। और अपना गाड़ी देखिए वहाँ नीचे लगा दिया हूँ। और उसके बाद अब आ गए हैं ऊपर, होटल ले लिए हैं, नहाया धो जाएगा। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर चलेंगे दर्शन करने। यहाँ मंदिर 7:30 बजे तक खुला रहता है, रोप वे भी 7:30 बजे तक। आप 7:30 बजे शाम तक तो सांस फूलने लगा रहता है। आप मंदिर 7:30 बजे तक खुला रहता है और रोप वे भी 7:30 बजे तक। आप आएंगे तो आप रोप वे से 7:30 बजे तक जा सकते हैं ऊपर मंदिर में दर्शन करने के लिए। उसके बाद मंदिर बंद हो जाएगा, तो चलते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद फिर नहा धोगे, फिर चलेंगे ऊपर दर्शन करने। अभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं एकदम, और निकलेंगे हम लोग जय माँ शारदा के लिए। जय माँ शारदा। और देख लीजिए पहन वहन के रेडी, कैजुअल ले ले। यहाँ गर्मी थोड़ी, अपने तरफ से गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पे अपने मिर्ज़ापुर या यूपी से बोल लेते हैं तो उससे 1-2 डिग्री का फ़र्क यहाँ पे ज़्यादा है। गर्मी यहाँ पे है काफ़ी। तो अब चल रहे हैं, नहा धो के रेडी हो गए हैं, अब चलते नीचे चाय पीने। उतने देर में जो भी दोनों लोग भाभी होगी और सब लोग हैं वो लोग भी रेडी हो जाएंगे, तब से हम लोग चाय पी लेते हैं। उसके बाद जाएंगे हम लोग दर्शन करने निकलेंगे यहाँ से। और हम लोग अभी कितना टाइम हो रहा है, 3:30 बज रहे हैं। 3:30 बज रहे हैं हम लोग यहाँ पे 2:30 बजे पहुँच गए थे। निकले थे सुबह 8:30 बजे, 8:30 बजे निकलने के बाद यहाँ 2:30 बजे पहुँचे। बीच में वही 1 घंटा वहाँ पे खाना खाना था जहाँ पे, वहाँ पे रुके थे हम लोग। उसके बाद उसके एक जगह आधा घंटा पेट्रोल टंकी था वहाँ पे रुके थे। उसके बाद यहाँ पे आए हैं अभी। अब यहाँ से चलेंगे अब दर्शन करने, देखते हैं कितना टाइम होता है। यहाँ से निकलना है आज, यहाँ रुकना नहीं है हम लोग को। इसके बाद आगे का डेस्टिनेशन है पे जाना है, क्योंकि यहाँ रुकेंगे तो फिर कल वाले में लेट होगा। अभी देखते हैं क्या प्रोसीजर आगे चलता है। दर्शन वर्शन करके अब हम लोग नीचे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया से दर्शन हो गया, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुआ। अब देखिए नीचे चलना है सीढ़ी से। ये जी नीचे जाने का रास्ता इधर से है, इधर से चलेंगे हम लोग नीचे। और अप्रॉक्स 20 मिनट लगना चाहिए नीचे जाने में हम लोग को यहाँ से। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं। आने में तो आधा घंटा लगा था, 30 मिनट में हम लोग ऊपर आ गए थे। आप अकेले आएंगे तो 25 मिनट में आ सकते हैं, 20 मिनट में भी। फैमिली है तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा हम लोग को। चल रहे हैं हम लोग नीचे, चलेंगे नीचे। जाने के बाद बाबू का मुंडन करवाना है तो वो कराएंगे आकाश भैया, उसको कराने वराने के बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। अभी हम लोग खजुराहो पहुंच चुके हैं और हम लोग खाना वाना खा के मतलब पहुंच चुके हैं यहाँ पे। हम लोग पहुँचे भी थे तो काफ़ी लेट, 11 बज गया था। और अभी जस्ट खाना वाना के खा के इतना सुकून, इतना गजब का जगह पे है ना हम लोगों गुरु जी। ये ऐसे मतलब लग रहा है जैसे कोई पास इलाका, एकदम एक अलग ही है, अलग ही लग रहा है ऐसा कि कुछ अलग ही जगह पे आ गए हैं एकदम। बहुत सुकून है। लोग आने के पहले लोग कह रहे थे कि अरे वहाँ कुछ नहीं है मत जाइए, लेकिन अगर कोई भी अगर आ रहा हो यहाँ पे खजुराहो एक बार जरूर आए, जरूर आए एक बार जो भी आ रहा हो। कोई के कहने में मत आइए आप। हम लोग का ये टूर प्लान, ये प्लान खजुराहो का कैंसिल होते होते सोच लीजिए कि आ ही गए हम लोग यहाँ पे। और कल दिखाएंगे आप लोग को। और आज अभी खाना वाना खा लिए, अब चल रहे हैं हम लोग, अब थोड़ा आराम करेंगे, काफ़ी थक गए हैं। टाइम भी देखिए कितना हो रहा है, 12:45 बज रहा है। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, कल मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ खजुराहो के में मंदिर में। मंदिर तो है नहीं वहाँ पे ना, मंदिर है मंदिर है। चलिए ठीक है, वहीं मिलते हैं फिर। बाय बाय, गुड नाइट।